को देखिए यहाँ पर लाल बटन है और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो स्टॉक है, जो कंपनी है, GNFC गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। 2 मिनट में हम जान लेंगे कि कंपनी क्या करती है। कंपनी है जो केमिकल से, फर्टिलाइज़र से जो यूरिया खाद जो खेतों में डाली जाती है, फसलों में डाली जाती है, और जो और कई प्रकार के ऐसे केमिकल्स भी बनाती है, दवाएं बनाती है जिसका छिड़काव करके कीटनाशकों से भी बचाव किया जा सकता है, ये सब फार्मिंग में यूज़ होती हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, GNFC हैज़ ड्रॉन ऑन द वर्ल्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स फॉर इट्स वेरियस प्रोडक्शन, कल्मिनेशन ऑफ एंटरप्राइज एंड इनिशिएटिव। खैर, तो ये देखिए इनके प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया का नर्मदा यूरिया, नर्मदा फॉस्फोरस, कुछ प्रोडक्ट्स में भी एक झलक देख लेते हैं, अमोनिया, ये भी एक प्रकार की खाद है, यूरिया, अमोनियम नाइट्रो फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो ये अलग अलग खेत में प्रयोग होने वाली, फसलों में लगाने वाली खादें हैं। तो ज़बरदस्त ये एक बेहतरीन कंपनी है, और इनका जो सीज़न होता है, जनरली ये ऐसे बिजनेस हैं कि सीज़न वाइज भी काफ़ी अच्छा इनकी कमाई होती है, लेकिन हम इनके पहले डेटा देखेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति इनकी कैसी है, और बारिश आने वाली, इसके बाद इनके नेट सेल्स जो है बढ़ जाती है। दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि होता क्या है कि चूँकि खाद वाद जो होता है ये एक ट्रेडिंग बिजनेस में जैसे कि उधार भी दिया जाता है, तो हो सकता है कि इनके बैलेंस शीट पे बहुत सारा जो पैसा नहीं आ पाता, सरकारें कुछ सब्सिडी भी देती हैं तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ पाती समय पे, तो इस वजह से थोड़ा बैलेंस शीट पे भी इन पे असर पड़ता है, जो कि ये दिखाते हैं कि फ़िलहाल क्रेडिट नहीं हो पाई है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर केमिकल्स 17 मई 2019 11:37 है, और यहाँ पे 279 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है, 2 रुपये की डाउनसाइड है। एक साल में 238 रुपये का लो था और 502 रुपये का हाई था, तो काफ़ी अपने हाई से नीचे है। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में लोग 100% कह रहे हैं बाई इट, उसका रीज़न मैं बता दूंगा क्यों कह रहे हैं लोग। अगर हम स्टैंड अलोन पे जाते हैं, मार्केट कैप है इसका 4,339 करोड़, एक स्मॉल कैप कंपनी है। EPS है, अर्निंग पर शेयर इसका 62, एक ज़बरदस्त EPS है। पी रेशियो देखिए कितना कम है, 4.44, इवन इंडस्ट्री पी का 10.33%। लेकिन समझने वाली बात है कि जो इसका प्राइस है, अभी बुक वैल्यू है इसका 286 रुपया, और इसका भाव आपने देखा कि 279 रुपये, तो बुक वैल्यू से शेयर प्राइस कितना नीचे पे मिल रहा है। अब बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू ये है कि ओवरऑल जो कंपनी है, मान लीजिए ये इसके जितने भी चल अचल संपत्ति है, जितने भी इसके रिजर्व्स कैश है, सरप्लस है, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको टोटल उसकी एक वैल्यू निकाल के, उसको जितने उन्होंने शेयर निकाले हुए हैं, जितने शेयर्स उन्होंने इशू किए हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो एक शेयर पर जो बुक वैल्यू निकल के आती है 286 रुपये। तो इसका जो प्राइस है, शेयर प्राइस बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, इसका मतलब वैल्यूएशन में अभी अट्रैक्टिव है, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से कंपनी की वैल्यू, उस हिसाब से शेयर प्राइस अभी कम पे मिल रहा है, कहने का ये मतलब है। तो उसका रीज़न भी हम देखेंगे क्यों, और फेस वैल्यू है 10 की अभी भी, डिविडेंड यील्ड है 2.69% की, प्राइस टू बुक 0.97 की, भी अट्रैक्टिव है। फाइनेंशियल भी हम देख लेते हैं, इनके Q4 के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं, और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में यहाँ 29 मई को शायद इनकी अनाउंसमेंट है कि रिजल्ट्स भी आएंगे, और शायद उसी दिन डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा, 29 मई 2019 को। तो देखिए यहाँ पे जहाँ मार्च 18 में इनकी नेट सेल्स थी 1764 करोड़ की, वहीं जून 18 में रह गई 1604 करोड़ की, जो कि डाउन साइड थी, और सितंबर 18 में हो गई 1641 करोड़ की, जो कि मार्च 18 के मुकाबले यहाँ पे भी कम है, लेकिन दिसंबर 18 में 1219 की रह गई, तो लगातार डाउन हो गई। वहीं पे हम नेट प्रॉफिट में सीधे जंप करते हैं, तो जहां मार्च 18 में 328 करोड़ की थी, वहीं जून 18 में हो गई नेट प्रॉफिट 185 करोड़ के आसपास, और सितंबर 18 में थोड़ी सी ग्रोथ हुई 296 करोड़, लेकिन अगेन दिसंबर 18 में 165 करोड़ की डाउनसाइड के आसपास नेट प्रॉफिट आया। इस कंपनी में कर्ज़ा मामूली सा है, वो देखने वाली बात नहीं है, और लेकिन 165 करोड़ लगातार जो डाउनसाइड इसमें दिखाया है, इस वजह से इस ऑब्वियसली इस कंपनी पे इफेक्ट पड़ेगा, इसके शेयर प्राइस पे भी इफेक्ट पड़ता है, और
इस भाव पे अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन अभी हमें नेक्स्ट जो Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2019 के, उसमें देखना होगा कि कंपनी क्या कैसे उसके परिणाम आते हैं उस पर दिशा तय की। हो सकता है कि हमें और नीचे के भाव पे मिल जाए तो ज़बरदस्त ख़रीदारी के मौके मिल जाएंगे, जिनको पसंद है फर्टिलाइज़र केमिकल्स में, है ना, तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये। और हम रिटर्न में आए हैं तो रिटर्न में देखते हैं कि 10 सालों में इसने 280% का दिया हुआ है, 5 सालों में 204% का रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन 4 सालों में 304 का एक ज़बरदस्त है, और 3 सालों में भी 115 के ओके ओके हैं। लेकिन लगातार 2 साल जिन्होंने पैसे लगाए हैं, 1 साल में भी करीब इनको 41% के डाउन साइड है, ईयर टिल डेट में 18% के डाउन साइड, 6 मंथ में 22% के डाउन साइड, लेकिन 3 मंथ्स में जिन्होंने पैसे लगाए थे उनको 11% 11.5% के आसपास के रिटर्न मिल रहे हैं। 1 मंथ में, 1 वीक में, 1 डे में भी लगातार थोड़ी थोड़ी सी डाउन साइड है। अब सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं कि 29 मई तक हमें थोड़ा रुकना होगा, इनके परिणाम आने दीजिए, उसके बाद ही एक डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि और नीचे के भाव पे आपको मिले, और वैसे भी आजकल पूरे मार्केट में ही खलबली मची हुई है, तो थोड़ा सा सारे स्टॉक्स पे प्रेशर बना हुआ है। शेयर होल्डिंग में आते हैं तो प्रमोटर्स के पास 41.18% की, जो कि थोड़ी सी 0.202% की आसपास घटाई है इन्होंने, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की ज़बरदस्त होल्डिंग है, 15 स्कीम्स हैं, और FIIs तो यहाँ भी ज़बरदस्त खरीदारी करके बैठे हुए हैं, और बढ़ी भी है। देखिए इन्होंने 1.37% की यहाँ पे इंक्रीज़ भी की है होल्डिंग अपनी FIIs, तो 157 FIIs हैं, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर आपकी चहेती लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी यहाँ 7.59% के आसपास होल्डिंग है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं 23.68% के आसपास। और 7.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड पे किया था लास्ट ईयर, और उम्मीद है कि 29 तारीख को फिर से अनाउंसमेंट हो सकता है। और इनके जो टॉप सेगमेंट्स से केमिकल्स, इनको 67.39% की आय है, और फर्टिलाइजर से इनके 29.47% की आय है, और अदर से 3.1% की आय है, और अपनी इंडस्ट्री में 3rd नंबर पर है, 1976 से ये काम कर रही फर्टिलाइज़र की कंपनी है, प्राइवेट हाउस है। दोस्तों मुझे लगा कि मैंने इस कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है, और हमें वेट करना होगा नतीजे आने तक। और आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो इस कंपनी के बारे में या जानना हो तो वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं, बहुत डिटेल्स में सारे कुछ है वहाँ पे, या फिर कमेंट में भी आप कह सकते हैं। और कोई भी स्टॉक लेने या बेचने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँ कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।